नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हजारों युवाओं के लिए जो वह बहुत बड़ी खुशखबरी ले आए। खुशखबरी ये है साथियों कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कर्मचारियों के जो 3600 रुपए हैं वो जमा करने जो वह शुरुआत कर दी, क्योंकि साथियों के जो वह बार बार कमेंट देखने भी मिले थे कि सर मेरा 2022 का पैसा रुका हुआ है, 2023 का पैसा रुका हुआ है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अभी तक हमारे पैसे जमा नहीं करे। तो वह उन साथियों लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने प्रत्येक महीने के जो 3600 रुपए उनके बने थे भाई, उनके जो पासबुक है उसके अंदर जो वह जमा करवाने का काम कर दिया है। पूरी जो वह लिस्ट भी जारी है, आप साथियों ने एक एक करके जो वह लिस्ट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ एक साथियों के जो है नाम दिखा पाओगे, क्योंकि हजारों की संख्या में साथी हैं। अगर प्रॉपर पूरी लिस्ट दिखावांगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो साथी वीडियो देख रहे हैं वह लगभग जो है साथी अपना अपना नाम देख सके हैं वह किस किस साथी का जो है नाम उनके सामने आवा है, क्योंकि ये जो वह बिल्कुल हम जो है ऑफिशियल जानकारी लेके आए हैं, ताकि जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी हैं उनको प्रॉपर जानकारी देने का काम कराया जा सके। साथियों पर जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लग रहे हैं और जिसका पैसा जो है अप्रैल 2022 का रुके हुआ था, तो उनके जो है 20 कैंडिडेट थे जिसका यो पैसा जो है रुके हुआ था अप्रैल 2022 का वेजेस का, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपकी ईपीएफ पासबुक के अंदर 1800 रुपये आपके खुद के जमा कराए है और 1800 रुपये जो है आजकरण खुद दे हुआ है, यानी कि टोटल 3600 रुपये आपके जमा करने का काम करे भाई। 1800 रुपये आपका जो है एम्प्लॉय शेयर है और जो 1800 रुपये उसमें 1250 रुपये जो भाई आपके जो है पेंशन के अंदर चले जाओ और 550 कुछ रुपये आपके एम्प्लॉयर शेयर के अंदर चले जाओ, यानी कि टोटल आपके 3600 रुपये बैठे हैं साथियों। पर जिस साथी का यानी कि भाई जो 20 साथी आपको दिखा रहे हैं, तो इनके नाम एक बार ही दिखाई दें भाई। ये 20 साथी कौन कौन से हैं जिसके पैसे आजकरण ने जमा करने का काम कर दिया है। तो इसी प्रकार से कुछ एक साथी जो है अपने नाम दिखावांगे, क्योंकि लगभग जो हजारों की संख्या में यानी कि अभी टिल डेट यानी कि अप्रैल 2024 लग का जो पैसा है वो जमा करवाने का काम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए भाई, बजरंग राम है, धर्मजीत सिंह है, दिनेश कुमार है, जयपाल है, कर्ण बिसैत है, महेंद्र सिंह है, मंजू मोनूराम, ओम प्रकाश, पंकज, यानी कि टोटल इस प्रकार से जो भाई दो लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों लिस्टों के अंदर ये देख लीजिए साथियों, आगे आ चुके हैं भाई पृथ्वी सिंह है, राकेश कुमार है, रमन है, रवि है, रेखा रानी है, संदीप है, संदीप कुमार है, सुरेश और उषा रानी है। तो इस प्रकार से 20 कैंडिडेट थे जिसका अप्रैल 2022 का पैसा रुका हुआ था, इनका पैसा रिलीज कर दिया भाई। आपके पासबुकों के अंदर जो है पैसा अभी तक जमा हो चुका होगा। और उससे आगे बात कर लिया साथियों भाई, मई 2022 का पैसा, ये जो भाई 29 कैंडिडेट थे जिसका पैसा रुका हुआ था, उनका पैसा भी रिलीज करने का काम कर दिया। अब जैसे हम जो है 29 लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो 29 जो कैंडिडेट है उनकी प्रॉपर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी भाई। तो आपको ये भी नाम दिखाया दें भाई, अब ये देख लीजिए भाई, जो बजरंग राम है जिसका पीछे का भी पैसा रुका हुआ था वो भी आ चुका है भाई, धर्मजीत सिंह है इसका भी पैसा रुका हुआ था भाई, वो भी टोटल आ चुका है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यानी कि कुछ एक इसके अंदर 9 कैंडिडेट हैं जो अलग से जुड़े हैं, यानी कि नए कैंडिडेट 9 आए हैं इस लिस्ट के अंदर, तो उनका भी पैसा इस प्रकार से जमा कराया। अब आप भी अपना अपना जो है नाम देख लीजिए अगर कोई भी साथी है तो। और उससे आगे बात कर लिया भाई जून 2022 का पैसा, तो ये भी 29 कैंडिडेट थे भाई। और उससे आगे बात कर लिया मैं जुलाई 2022 का पैसा, इसके अंदर जो है ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 67 कैंडिडेट की लिस्ट है, इसको भी आप साथियों को दिखाने का काम करेंगे। वह 67 कैंडिडेट के जो है पैसे आए हैं, इनके जो पासबुक है ईपीएफ की उसके अंदर जमा करवाए गए हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, इनकी भी लिस्ट आ चुकी है। हम जो है यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं भाई, क्योंकि 10-10 करके देखेंगे तो लंबी लाइन सी 2-3 बारी करनी पड़ेगी अपन है। तो ये देख लीजिए साथियों, अजय भाई, अभिषेक है, अमन है, अमित है, अनिल कुमार है, आशा है, बजरंग राम वही आ चुका है जिसका पीछे का भी पैसा रहता था। तो इस प्रकार से देख लीजिए काफ़ी सारे साथी हैं भाई, ये देख लीजिए इस प्रकार से, यानी कि पूरे आपको
67 के 67 कैंडिडेट के नाम दिखेंगे, आपको अपने अपने नाम देख लेने पर टोटल, यानी कि देख लीजिए, योगेश है, यशवती है, यशवेंद्र सिंह है, विकास है, उषा रानी है, यानी कि इनका जो है पीछे का भी पैसा रहा बचा हुआ था तो वो साथ के साथ जो है जमा करवा दिया गया है। अच्छा, उससे आगे बात कर लें, भाई अगस्त 2022 के 60 कैंडिडेट हैं, सितंबर में 61 हैं और अक्टूबर में 2022 हैं, यानी कि अब जो है अक्टूबर का डाटा देख लेते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर जो है साथियों पूरी पूरी लिस्ट है, अगर हम आप साथियों को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी आप साथियों को हम जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे साथी जो है बार बार कमेंट भी करें सर के मेरा नाम निशो होया, मेरा नाम निशो होया, तो इसलिए आप साथियों को दिखाना पड़ रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए भाई, इनकी जो है प्रॉपर लिस्ट आ चुकी है, पूरे पूरे नाम है भाई, अपने अपने नाम जो है आपको चेक कर लेने हैं। बलजीत, बलजीत सिंह, बलराज सिंह, बलविंदर सिंह है, बारू राम है, दीपक है, गौरव है, ईश्वर है, जगदीश है, तो इनका पैसा जो है जमा करवा दिया है हरियाणा कौशल निगम ने। आपको अपनी अपनी पासबुक को ओपन करना है और चेक कर लेना है भाई आपका पैसा जमा होया कि नहीं होया है। प्रेम है, राजवीर है, राजेश है, रमन है, रामपाल है, रोहित है, संदीप है भाई, काफ़ी सारे चीज़ें, चार पांच, सुमित भी है, सुनील भी है, और उषा रानी इसके अंदर भी आ चुकी भाई, और तरसेम पाल भी हैं, विकास कुमार भी हैं, विनोद कुमार भी है, और योगेश इसके अंदर भी आया भाई, और जो यशवंदर सिंह है इनका भी पैसा जो है जमा करने का काम कराया गया है। और उससे आगे इसी प्रकार से देखा साथियों, नवंबर 22 का भी पैसा जमा कर दिया, दिसंबर 22 का भी कर दिया, जनवरी 23 का भी कर दिया भाई। उसके बाद में अगली लिस्ट देखा साथियों, तो ये देख लीजिए भाई, आपका फरवरी 23 का पैसा है, मार्च में 258 कैंडिडेट का है, अप्रैल 23 का है, मई 23 का है, जून 23 का पैसा जमा करवा दिया भाई, अगस्त 23 का, सितंबर 23 का, और अक्टूबर 23 का, नवंबर 23 का। अब ये नवंबर 23 पे एक बार ये हम जो है भाई क्लिक करके देख लें, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं भाई, लिस्ट भी जो है लंबी हो जाओगी इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, ये लिस्ट जो है लोडिंग होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कैंडिडेट के नाम ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा है, तो इसीलिए जो प्रॉपर आप साथियों को जो पूरी पूरी लिस्ट नहीं दिखा पाते, क्योंकि अगर एक एक कैंडिडेट का यहाँ पे जो हम सर्च भी कर सका नाम, अगर कोई भाई कैंडिडेट जैसे बोला भाई हाँ सर कि मेरा भी नाम, तो हम जो सर्च कर भी कर सका भाई, यहाँ पे नाम का सर्चिंग का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए भाई, इस प्रकार से जो पूरी पूरी लिस्ट है आप साथियों को प्रॉपर दिखाने की भी कोशिश करांगे, क्योंकि 907 कैंडिडेट हैं भाई, धीरे धीरे जो है डाउनलोड भी होगी, 100 कैंडिडेट के नाम भी आऊँगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे हम जो है 5 पर क्लिक करा, तो अभी ये देख लीजिए, पवन कुमार, पिंकी आ चुके हैं भाई, रमेश कुमार दास ये आ चुके हैं भाई, 7 पर क्लिक करा, सतबीर, सरजीत, सरिता, ठीक है भाई, और 10 पर क्लिक करा भाई, ये देख लीजिए 901 कैंडिडेट में से योगेंद्र है, योगेश है, युद्धवीर सिंह है, और जाकिर हुसैन है भाई। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो है अपने अपने नाम जो है धीरे धीरे देख लेने हैं, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल डाटा है, वैसे आपको प्रॉपर लिस्ट नहीं दे सकते, सिर्फ आपको जानकारी के लिए वीडियो लेके आए हाँ, बस जिन साथियों का जो पीछे का ईपीएफ बचा हुआ था ना, वो आज करना जमा कर दिए आपके 3600 रुपये, आप अपनी अपनी पासबुक देखिए, ये जो लिस्ट है आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा है, आप नहीं देख सकते, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लेके आए, ठीक है। आप भी बात समझो हो, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा है, आपको जो हमें लिंक वगैरह नहीं दे सकते, ऑफिशियल जानकारी आप साथियों को सिर्फ जानकारी देने के लिए लेके आए हैं कि आपके पासबुकों के अंदर पैसा जमा करवा दिया है। कुछ एक कैंडिडेट का आपको जो हमने भाई नाम भी दिखाने की कोशिश करी है भाई, इस प्रकार से जो है लिस्ट है, इन कैंडिडेट के जो पैसे और जमा कर दिए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने। तो उसी प्रकार से आगे जो मैं बात करें आपकी, जैसे इसके अंदर भी छठा पेज खोल लिया, तो मार्च 2024 ये देख लीजिए साथियों, तो इस प्रकार से आप साथियों का जो है मार्च 2024 लग का जो पैसा है भाई वो जमा करने का काम कर दिया अचकरण ने, अप्रैल 24 के भी जमा करे हैं। तो इस प्रकार से कैंडिडेट की जो भी लिस्ट है इतनी इतनी बड़ी बड़ी, तो ये देख लीजिए अब, जैसे भाई 1043 दिसंबर 23 के दे, जनवरी 24 के 1542 कैंडिडेट हैं, फरवरी के 2131 हैं, अप्रैल 24 के 9964 है जिसका पैसा बचा हुआ था, और ये जो पैसा आपका इतने इतने रुपये जो है जमा करे हैं। अब जैसे भाई 1,59,62,000 यानी कि 6 रुपये जमा करें भाई 4,482 कैंडिडेट के। तो इस प्रकार से जो भाई लाखों युवाओं को फ़ायदा हो रहा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से, और पैसे का जो भाई फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पहले ये जो पैसा था आपके जो ठेकेदार थे भाई वो खा जा करते,
आपके पैसे जमा नहीं किया करते। अब आपके जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है आपको नौकरी मिली है, अब आपका पैसा कहीं नहीं जाओगा, चाहे पीछे का पैसा हो, चाहे एक दिन का पैसा हो या दो दिन का पैसा, सारा पैसा आपके अकाउंट में आओगा। थोड़ा टाइम लग सका है लेकिन पैसा नहीं रुकेगा। तो यही बेनिफिट है वैचकरण का, इससे जो है लाखों युवा जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय हरियाणा।